रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना पहला रेल बजट पेश किया है। आम आदमी के लिए कितना रेल बजट फायदेमंद रहेगा, आइए जानते हैं जेडीयू सांसद अली अनवर साहब से। सर, आम आदमी अगर लेमैन की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं आप ये रेल बजट? लेमैन की तो पाकिटमारी हो गई है। डीजल का दाम आधा से भी कम है और 6 महीने से ये सरकार आते ही तो बढ़ा दिया था, पहला ही बजट गौड़ा साहब ने तो सब चीज़ बढ़ा दिया था। तो जब आप लिंक कर दिए हैं तेल का दाम घटेगा बढ़ेगा, पहले होता था कि बजट में ही घटेगा बढ़ेगा, लेकिन अब बीच में जब चाहते हैं तेल का दाम बढ़ेगा तो बढ़ा देते हैं, तो घटेगा तो घटा देना चाहिए। ये तो नेचुरल जस्टिस का तकाजा है। 15,000 करोड़ रुपया का फ़ायदा उठाएंगे तो जनता का तो इसको लाभ नहीं मिलेगा, तो उसकी तो वो तो ठगा ही महसूस कर रहा है, उसकी पाकिटमारी हो गई है। सर, ये पहला रेल बजट ऐसा देखने को मिला है जिसमें नई ट्रेनों का कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। देखिए, ये प्रभु की माया है, मोदी जी की छत्र छाया है और प्रभु की माया है, और ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। बुलेट ट्रेन की बात करें तो भाजपा सरकार ने बुलेट ट्रेन को काफ़ी इतना आगे बढ़ा दिया है कि ना तो कहीं दिख रही है और ना ही कहीं आ रही है। लेकिन जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का ये है कहना कि बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, कम से कम ये जो ट्रेनें चल रही हैं इनमें साफ़ सफाई का तो ध्यान दीजिए। देखिए, लोग ट्रेनों में इतनी भीड़ रहती है कि लोग ट्रेन के छतों पर, आज ही अखबारों में छपा है, ट्रेन के छतों पर सफ़र करते हैं लोग, लैट्रिन में बाथरूम जो होता है उसमें ठूस ठूस करके, जानवर की तरह, बोरा की तरह ठूस करके और जाते हैं, सफ़र करते हैं। तो इसका कोई उपाय करने की जगह ये किस दुनिया में है, बम्बे, बंगलोर और गुजरात, यही इनके दिमाग में है। तो ये जो सरकार है तो ये कॉरपोरेट की सरकार है, उन्हीं लोगों के सुख सुविधा के बारे में जो अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से ऊपर के जो लोग हैं, मिडिल क्लास का भी नहीं, उसी की चिंता इनको रहती है। सर, आप ही की जनता परिवार सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी ने तो इस रेल बजट को काफ़ी सराहा है। नहीं, देखिए, उन्होंने ये उम्मीद जताई है होगी और शायद नहीं पढ़ा होगा, देखा होगा ठीक से, और आजकल शादी ब्याह में व्यस्त हैं, नहीं देखा होगा। लेकिन लालू जी, उनके समधी लालू जी ने तो कहा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सर, एक आखिरी सवाल, रेल बजट तो हमने देख लिया, आम बजट आने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? उम्मीद तो कर रहे हैं कि भाई महंगाई घटे, हम लोगों को तो इसी से न मतलब है कि महंगाई कम हो। तो जब तेल का दाम कम हो रहा है तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए, और जो जो नरेगा ख़त्म कर दिया, जो किसानों को लाभप्रद कीमत मिले, इन्होंने कहा था अपने ये में कि 1.5 गुना से ज़्यादा हम उसके लागत मूल्य से 1.5 गुना से ज़्यादा हम देंगे, तो वो दें, यही सब उम्मीद है और क्या। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अली अनवर साहब, इनका साफ मानना है कि जनता की इस प्रभु ने तो नहीं सुनी है, अब जनता शायद उस ऊपर वाले प्रभु के ही भरोसे है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।